18 अप्रैल को ही होंगे राम रहीम जेल से बाहर। सात संगत को मिली खुशी की खबर, कोर्ट्स ने दे दी अनुमति राम रहीम को जेल से बाहर करने की। इस बारे में क्या सच्चाई है, सभी सात संगत को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी सात संगत को सूचना देने जा रहा हूं। सभी को वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि इस चैनल पर डेरे सच्चे सौदे की हर एक खबर हम डालते रहते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। सासंगत जी, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, सभी सासंगत को बहुत ही ध्यान से सुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा सात संगत को शेयर भी करना है, ताकि हजूर पिताजी की जो न्यूज़ है, जो भी खुशी की खबर है, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हजूर पिताजी को पीछे सुनने में आ रहा था कि 22 अप्रैल को हजूर पिताजी को फिर से पैरोल की अनुमति मिल रही है, लेकिन इसी बीच कुछ सेवादारों को बरनावा आश्रम में सेवा करने के लिए बुलाया गया था, तो वहां पर एक खबर सुनने को मिली कि हजूर पिताजी 18 अप्रैल को पैरोल पर ना आकर परमानेंट के लिए सात संगत के बीच में आ रहे हैं। लेकिन सात संगत जी, इस बारे में कितनी सच्चाई है ये तो अभी कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन जब भी सात संगत इस तरह की खबर सुनती है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में खुशी की लहर उठ पड़ती है, और उठे भी क्यों ना, क्योंकि हम हजूर पिताजी को दिल से चाहते हैं और हम यही चाहते हैं कि हजूर पिताजी हमारे बीच में परमानेंट आ जाए, क्योंकि हजूर पिताजी से हम परमानेंट आने की सुबह शाम जो भी हजूर पिताजी ने अरदास दी हुई है उसको हजूर पिताजी से अरदास करते हैं, उस मालिक रब सदगुरु वाहेगुरु गोड खुदा रब से अरदास करते हैं कि हजूर पिताजी को हमारे बीच में भेज दिया जाए। लेकिन सत्संगत जी, इसी बीच सभी सत्संगत के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सभी को बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर भी करना है। सत्संगत जी, मैं आपको बता दूँ कि हजूर पिताजी वो कब आएंगे वो तो खुद मालिक है, खुद ही जानते हैं उनको कब और कैसे और किस हाल में सात संगत के बीच में आना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सात संगत तो खुश होती है, लेकिन जब कोई जो सत्संगी भाई बहन नहीं रहते उनको इस बारे में पता लगता है कि हजूर पिताजी फिर से बाहर आने वाले हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लूज मोशन से लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सात संगत जी, जैसे ही हम बताते हैं कि हमारे हजूर पिताजी, हम तो खुशी से सामने वाले को बताते हैं, जो नॉन सत्संगी होता है, अननोन पर्सन होता है, जो डेरे सच्चे सौदे से जुड़ा नहीं होता, तो जैसे उसको इस खबर का पता चलता है तो वह यह बोलता है कि आपके हजूर पिताजी बाहर नहीं आएंगे, तो हमको उस बात से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना है, क्योंकि कोई भी जो इंसान आपको डीमोटिवेट करता है कि आपको आपके हजूर पिताजी अब नहीं आएंगे, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना। कहीं ना कहीं हजूर पिताजी हमें जीवन के लिए यह सबक भी दे रहे हैं कि जब हम एक छोटी छोटी लड़ाई लड़ते हैं, यानी कि सामने वाला आपसे आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, एक तरीके से वो भी एक छोटी लड़ाई की तरह होता है, तो आपको उस छोटी लड़ाई, इन छोटी छोटी लड़ाई ये आगे आने वाले टाइम में हमारे काम आएगी, क्योंकि आने वाले टाइम इतना भयानक है, घोर कलयुग है। जब आप अपने सदगुरु का नाम लोगे तो सामने वाले इंसान, आपने सुना होगा कि हाथ को हाथ खाएगा, तो इसी तरीके से ये छोटी छोटी लड़ाई आपको लड़नी है। आने वाले टाइम में कोई सामने वाला इंसान आपसे बड़ी लड़ाई करना चाहता है, जबान से करना चाहता है, किसी भी तरीके से करना चाहता है, तो आपको शांत स्वभाव से उसको जो है जवाब देना है। हजूर पिताजी हमेशा शांत स्वभाव से हमें रास्ता दिखाते हैं, आपको किसी से भी कोई बहस नहीं करनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी जो बहस है आने वाले टाइम में बहुत भयानक रूप लेने वाली है। तो आप सभी से अरदास करते हैं कि हजूर पिताजी कभी भी आए, 18 अप्रैल को आए या 22 अप्रैल को आए, तो सबको हजूर पिताजी से रेगुलर बेस पर यही अरदास करनी है कि हजूर पिताजी अब हमारे बीच में आ जाओ। और जैसे भी कोई इंसान आपको हजूर पिताजी के बारे में कुछ बोलता है तो उस भाई से आपसे हाथ जोड़कर वहाँ से निकल जाना है, क्योंकि हमारे सदगुरु मालिक ने हमें यही शिक्षा दी है कि हमारा रास्ता प्यार मोहब्बत का है। फिल्मों के माध्यम से यही बताया है, जब फिल्म में भी एक सीन है कि जब
एक प्रेमी भाई बोलता है कि दिल करता है आग लगा दे, लेकिन हजूर पिताजी उसको बड़े ही शांत स्वभाव और सहज स्वभाव से बोलते हैं कि हमारा रास्ता प्यार मोहब्बत का है, हमें प्यार मोहब्बत से ही सबसे काम लेना है। तो सात संगत जी, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सात संगत को शेयर करना है। वीडियो को लाइक करने के बाद जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम डेरे सच्चे सौदे से संबंधित हर एक वीडियो टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। क्योंकि हजूर पिताजी ने हमेशा सत्संगों में भी, नाम चर्चाओं में भी, आप अगर ध्यान से सुनते हो करिश्मे वगैरह जो पढ़ाया जाता है, ग्रंथ की सेवा होती है, उसमें भी हमेशा प्यार मोहब्बत का रास्ता ही हजूर पिताजी के द्वारा, अनमोल वचनों के द्वारा बताया जाता है। जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हजूर पिताजी की जैसे ही कोई खबर आएगी तो इस चैनल पर सबसे पहले हम आपको देंगे। जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।